श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने रिश्तेदारों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे तुलसी जी की मंजरी। तुलसी जी के अद्भुत प्रयोग आप जानेंगे। तुलसी जी की मंजरी हम क्यों उतारे ये भी आप जानते हैं, लेकिन आज फिर बताऊंगी कि तुलसी जी पर से मंजरी हम क्यों हटाते हैं और हम कब हटाएं, और तुलसी जी की मंजरी के वो दिव्य और अद्भुत प्रयोग जो आपके जीवन में धन की कमी को दूर करेंगे, संतान की कमी को दूर करेंगे, वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करेंगे, इसी के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की अथाह कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ऐसे अद्भुत उपाय लेके आज वीडियो में आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले पहले पहले। मैं आज बात कर रही हूँ तुलसी जी की मंजरी। तुलसी जी के ऊपर मंजरी आती है। तुलसी जी के ऊपर जो मंजरी है वो तुलसी जी के ऊपर एक बोझ है, एक कर्ज है, जिसको कि हमें उतार देना चाहिए। जो जातक तुलसी जी के ऊपर से मंजरी को हटा देते हैं, तुलसी माता उनसे बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यानी कि जो भी आप मन से इच्छा से फल चाहते हैं माता लक्ष्मी से, माता तुलसी, वो ही आपको प्राप्त होता है। कब हटाएं? रविवार एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं हटाएंगे, अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं हटाएंगे। इन दिनों को छोड़कर किसी भी दिन हटा सकते हैं। कैंची से नहीं हटाएंगे, कोशिश करें अपना उंगलियों से भी तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से उठ जाएंगे। पहले माता तुलसी को प्रणाम करें और फिर आप अपने दोनों उंगलियों की सहायता से उस मंजरी को हटाएं। मंजरी बहुत अधिक पकी हुई जो सूखी होती है वो भी हटाई जा सकती है, और अगर आपकी पूरी तुलसी पे खूब सारी लंबी लंबी ग्रीन ग्रीन मंजरी आ रही है तो उसे भी आप हटा लीजिए। अब इस मंजरी को हटा लें तो करें क्या? कहा जाता है कि अथाह धन प्राप्ति के लिए, अथाह धन प्राप्ति के लिए, यानी आपके घर के अंदर खूब धन हो जाए और आपके घर में धन से उस बरकत हो जाए, तो उसके लिए 7 तुलसी की मंजरी एक लाल कपड़े में शुक्रवार के दिन लपेट कर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिएगा। हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, पूजा कीजिएगा सुबह और शाम दोनों समय। शनिवार के दिन उसको उठाकर अपने घर के धन क्षेत्र में रख दीजिएगा। कहते हैं कि धन की बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाती है, लेकिन हाँ याद रहे, लक्ष्मी जी को तुलसी की मंजरी चढ़ाए लेकिन तुलसी पत्र न चढ़ाए। भगवान शिव को, गणेश जी को और लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते, तो इसलिए सिर्फ मंजरी चढ़ाए। इसी के साथ साथ अगर आपके घर में बहुत अधिक लड़ाई हो, झगड़े हो, कलेश हो, नेगेटिविटी हो, यानी कि हर व्यक्ति जो सोचता है वो उल्टा ही सोचता है, कोई एक व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता हो जिस क्रोध के कारण घर का सारा माहौल खराब हो जाता हो, तो आपको एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ी सी तुलसी जी की मंजरी डालनी है। वो एक आपकी कोई स्प्रे की बोतल भी हो सकती है, एक स्प्रे की बोतल में बना लीजिएगा गंगा जल जल और तुलसी की मंजरी घर की उत्तर दिशा में, उसको रख के छोड़ दीजिएगा। प्रतिदिन उसे थोड़ा थोड़ा घर में छिड़काव करिएगा, उस स्थान पर ज्यादा करिएगा जहां पर सभी लोग बैठते हो, जहां पर ज्यादा बातचीत होती हो, अक्सर जहां बैठकर बातें करते करते वाद विवाद और लड़ाई का रूप ले लेते हो, कलेश होते हो, गृह कलेश होते हो, झगड़े, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप उसको छिड़के। अगर बहुत अधिक इस तरह की घर के अंदर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय छिड़क सकते हैं, जिस समय वो खत्म हो जाए फिर पुनः बना लीजिए। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि अगर वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानी है तो दूध में तुलसी जी की मंजरी डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। बात करूं संतान की, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत वर्ष हो गए, तो रात को एक तुलसी की मंजरी आप एक गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह छानकर खाली पेट पीना प्रारंभ कीजिए। स्त्री अगर प्रातःकाल खाली पेट उस पानी को पीती है तो उनको गर्भधारण करने में आसानी हो जाती है। इसी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन या प्रतिदिन तुलसी दल अगर आप उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी दल के साथ एक मंजरी भी चढ़ा दे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी जी की मंजरी 108 लीजिए, 5-5 के या 7-7 के बंच बना बनाकर और कलावे में बनके वो माला बन जाती है, तो वो आपको 108 तुलसी की मंजरी की माला कभी भी आपका आपकी इच्छा करे, आपको लगता है मुझे नहीं चढ़ाइए तो चढ़ानी चाहिए, एकादशी का दिन इसके लिए वैसे सर्वोत्तम रहता है। 108 मंजरी की माला अगर भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ा देते तो मैं क्या बोलूंगा, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की मंजरी में दिव्य शक्तियां हैं, औषधीय गुण भी हैं। तुलसी जी के पत्तों में भी औषधीय गुण है, तुलसी जी की मंजरी में भी औषधीय गुण है, परंतु दैवीय शक्तियां हैं इनके, तुलसी जी के पत्र में भी और तुलसी जी की मंजरी में तो और ज्यादा।
तो जब तुलसी जी की मंजरी को भगवान श्री हरि कृष्ण को इस प्रकार अर्पित किया जाता है, लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, तो आपको अनेकों परेशानियों का अंत होता है और असंख्य सुखों की आपको प्राप्ति होती है कर कर देखिए। तो कुछ तुलसी जी के अद्भुत अद्भुत निराले और अनोखे प्रयोग मैंने आपको बताया, इनमें से जो आपका मन करे, एक करे, दो करे, तीन करे, चार करे, जो भी आप चाहे वो आप कर लीजिए, जितना आप चाहे आप कर लीजिए, जितने दिन आप चाहे कर लीजिए, लेकिन कुछ ना करने से करना बेहतर होता है, इसलिए कर जरूर लीजिए। जीवन में इनसे कोई परेशानी नहीं आएगी, केवल और केवल सुख ही आएगा। आज इजाजत, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, जय मां लक्ष्मी, कुछ भी लिखे 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 सर, ईश्वर आपके।